देखो क्या क्या यूज आता है। सबसे पहले ईएमएफ कैलकुलेट करने के काम आता है, पोटेंशियोमीटर। ये प्राइमरी सर्किट हो गया आपका। ये प्राइमरी सर्किट बन गया आपका। अब देखो करना क्या है इसे। सबसे पहले एप्लीकेशन क्या है, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए बेड। ठीक है, सबसे पहले क्या है, टू मेजर ईएमएफ ऑफ ए बेड। तो अगर मान लो आपने एक बैटरी ले ली यहाँ पे, इसका ईएमएफ है E2, इसका कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। आप क्या करोगे, इसके साथ में यहाँ पे एक गैलोमीटर लगाओगे और एक जॉकी लोगे और उसको यहाँ टैप करोगे और इस पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट कर दोगे। अब तुम्हें पता है अगर ये लेंथ L1 लेंथ आ जाती है ये वाली, ठीक है, तो इस गैलोमीटर के थ्रू करंट जीरो हो जाएगा एक टाइम पे। इस पे अगर तुम टैप करते जाओ, किस टाइम पे जीरो हो जाएगा वो सुनो। ये जीरो होगा जब जो पोटेंशियल डिफरेंस इसका है बैटरी का ईएमएफ, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इसके बराबर हो जाए। तो E2 किसके बराबर आ जाएगा, एट द पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन दैट इज जीरो डिफ्लेक्शन, किसके बराबर आ जाएगा, 5 × L1। क्या बात समझ आई? फाइव पहले हमने निकालना सिखाई दिया था, ईएमएफ कैलकुलेट करना है। अब एक चीज सोचो, एक चीज बताओ मेरे को, अगर मान लो मैं दो बैटरीज का ईएमएफ कंपेयर करना चाहता हूं, तो एक और बैटरी लगा दी मैंने जिसका ईएमएफ है E3, ठीक है। फिर से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्विच बना देता हूं मैं। ये स्विच अभी बंद है, ये रहा स्विच। इस स्विच को ओपन कर दो और इस स्विच को क्लोज कर दो। तो इसकी रीडिंग क्या आ जाएगी, मान लो ये L2 पे रीडिंग जीरो आती है इसकी, L2 पे। तो इसका ईएमएफ किसके बराबर आएगा, है? अरे पैरेलल में नहीं, इसको खोल दिया, इसको लगा दिया, पैरेलल में नहीं लगाया। समझ में आ गया? इस सर्किट को हम बोलते हैं सेकेंडरी सर्किट, जिस चीज का हम मेजरमेंट करते हैं इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सर्किट। क्या बात समझ आई? तो ईएमएफ ऑफ ए बैटरी मेजर करना है। ये पढ़ लिया हमने। दूसरा इसका एप्लीकेशन है टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। अब वो बताता हूं कैसे मेजर करते। ऊपर में सिर्फ ये वायर ही बना रहा हूं A to B वाला, A to B का वायर ही बना रहा हूं सिर्फ। दूसरे केस में क्या करेंगे हम,
चलो इसको तो कनेक्ट ही रखो, कोई दिक्कत नहीं। EMF बैटरी, R इंटरनल रेजिस्टेंस, R ये रेजिस्टेंस। सुनो, जब ये स्विच ओपन रहेगा, ध्यान से समझना, जब ये स्विच ओपन रहेगा तो ये डिस्टेंस मान लो आपकी आ गई है L1, तो EMF किसके बराबर आ जाएगा? EMF किसके बराबर आ जाएगा? ये तो ओपन ही है ना, इधर से तो करंट जा ही नहीं रहा, तो बैटरी से कोई करंट नहीं जा रहा, तो जो भी करंट जाना था इधर से, अगर जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है तो ईएमएफ ऑफ बैटरी किसके बराबर आ जाएगा? पाई इनटू एल1। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है? यहां तक बात है, जब मैं स्विच को क्लोज कर दूंगा, आया ना, इस स्विच को अगर मैं यो क्लोज कर दूं तो इसमें यो करंट फ्लो करने लग जाएगा, यो करंट फ्लो करने लग जाएगा इसमें। इस टाइम पे अगर मान लो इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है और इसकी डिफ्लेक्शन जीरो है, तो इसका मतलब कोई करंट इधर से तो इधर जा नहीं रहा, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये तो इंटरनल है ना, इसके अंदर है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? गैल्वेनोमीटर के थ्रू तभी करंट नहीं जाएगा ना जब इस पॉइंट का पी पॉइंट और क्यू पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए, तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट नहीं जाएगा। तो जब तुम इसको कनेक्ट करोगे तो इसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज आएगी, और टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर आती है? ई माइनस आई आर के बराबर आती है, हाँ है ना? तो इस टाइम पे टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से कम हो जाएगी, क्योंकि बैटरी सोर्स की तरह बिहेव कर रही है। तो आपकी जो दूसरी लेंथ आएगी ना, जहां पे आपको डिफ्लेक्शन जीरो मिलेगी, वो कुछ अलग मिलेगी और वो एल टू कुछ कम होगा एल वन से। तो इस केस में आपको टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगी, तो टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर आएगी? फाइव इंटू एल टू के बराबर आएगी, हाँ है ना? कई बात समझ में, मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, जब तुम इसको कनेक्ट कर दोगे तो इस लूप में तो करंट हो ही सकता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हो वो ही अगर यहां हो जाए तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट नहीं जाएगा। वही दी बात समझ में, तो इसके अंदर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? टर्मिनल वोल्टेज जो किसके बराबर, ई माइनस आई आर, क्योंकि ये तो लूप कंप्लीट हो ही रहा है ना, स्विच को क्लोज कर दिया तो यहां से करंट कब नहीं जाएगा? गैल्वेनोमीटर के थ्रू। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है वो इसके अक्रॉस है, लेकिन इस टाइम पे आप टर्मिनल वोल्टेज मेजर कर रहे हो, क्यों? क्योंकि जब तुम ये नल डिफ्लेक्शन देख रहे हो उस टाइम पे बैटरी के थ्रू करंट जा रहा है, तो वी किसके बराबर है? फाइव इंटू एल टू। अब आगे पास समझे, आर तो आपने लगाई, इसकी वैल्यू आपको पता है, दिस इज इंटरनल रेजिस्टेंस, आर एन बक्स तो मैं म्यूट कर रहा हूं। आर एन आर एन बोलो बोलो, मैं बोल रहा L2 कम क्यों होगा? I2 कहाँ बोला मैंने? L2 यार ये बात बताए, इसके अक्रॉस मान ली EMF है बैटरी का 10 वोल्ट, तो ये लेंथ किसके कोरस्पोंडिंग होगी? 10 वोल्ट के, और टर्मिनल वोल्टेज होगी 9 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज कम होती है जब बैटरी है एक्टिंग एज ए सोर्स, तो ये लेंथ कम नहीं होगी। आर्यन? यस सर। जोर से बोलिए। यस सर, आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है, समझ में आई ये बात? यस सर, आ गई। हाँ,
अब इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है? मैंने पिछली क्लास में फॉर्मूला सिखाया था इंटरनल रेजिस्टेंस का, क्या फॉर्मूला था? E by V minus 1 into capital R. देखो पिछली क्लास में करवाया था क्या, याद करो, करवाया था क्या फॉर्मूला? तो ये वैल्यू आपने खुद नहीं लगाई है, ये रेजिस्टेंस, तो R किसके बराबर आ गया? E by V की जगह क्या आ जाएगा? L1 by L2 minus 1 into R. ये लो आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी आ गया। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? अच्छी तरह से देखो, तो टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए बैटरी, वो भी हो गया हमारा। ये भी हो गया। दो सेल्स का ईएमएफ भी कंपेयर करना है, सेल का ईएमएफ भी कैलकुलेट करना है। अब मान लो ये एक सर्किट है, ये है सर्किट। आपसे पूछा जाए कि इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपके पास बहुत बढ़िया तरीका है। तरीका क्या है? एक वायर इसका यहां लगाओ, अब इसके अक्रॉस कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। दूसरा वायर निकालो, उसमें गैल्वेमीटर लगाओ और इस पे टैप करो, जहां पे रीडिंग जीरो आ जाए, हाँ या ना? तो देखो, जब ये रीडिंग करेगा, मान लो ये डिस्टेंस आ गई आपकी L3, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? 5 into L3। और इसकी खास बात क्या है कि जब गैल्वेमीटर में करंट ही नहीं जा रहा, तो इसका मतलब इस सर्किट में जो करंट जा रहा था वो उतना ही जा रहा है, क्योंकि यूज ही नहीं कर रहा इस करंट को, इसमें एरर नाम की चीज ही नहीं है, क्योंकि ये मेजर ही तब करता है जब ये सर्किट से करंट ना आए। पोटेंशियोमीटर की खास बात ये है कि ये मेजरमेंट ही तभी करता है जब करंट, गैल्वेमीटर की रीडिंग जीरो, तो सर्किट में से करंट ही नहीं ले रहा, इसका प्रिंसिपल ही यही है। तो इसकी एमीटर और वोल्टमीटर से एक्यूरेसी तो अच्छी हो ही गई ना। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सबको? इसको हटा दो, इस पेज को हटा दो। तो किसी भी सर्किट में अननोन रेजिस्टेंस के अक्रॉस किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो भी पोटेंशियोमीटर काम में। अब सुनो, यहां से समझ में आ गया सब? एग्जाम्पल 46 करो, फिर मैं करवाता हूं तुम्हें। ई नॉट से अगर आप देखोगे तो 72 सेंटीमीटर के ऊपर क्या है, रीडिंग जीरो है, तो 1.11 वोल्ट इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है 72, हाँ है ना? तो अगर तुम यहाँ पे देखो, तुम्हें पता है ई नॉट इक्वल टू 5 into L1, तो
तो फाई की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट बाई एल वन। फाई की वैल्यू तो आ गई आपके पास, यहां तक कोई दिक्कत भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर देखो, द सेम पोटेंशियोमीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 120 ओम। मतलब ये जो रेजिस्टेंस है 120 ओम का है। व्हेन द एमिटर शोज ए करंट ऑफ 7.8 मिली एम्पियर, अ बैलेंस लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर इज ऑब्टेंड ऑन द पोटेंशियोमीटर। आप सुनो ध्यान से, ये कह रहा है कि अगर ये आपका वायर है ए बी, और आपने क्या किया है, ये आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है आर जो 120 ओम का है, ये एमीटर है और एक बैटरी और है। इसको जब आप यूं कनेक्टेड रखते हो तो आप क्या करते हो, इस पॉइंट को अगर यहां पे कनेक्ट करते हो, बीच में गैलोमीटर है, इसमें रीडिंग जीरो आती है, तो उस टाइम पे इसकी लेंथ कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर होती है। क्या बात समझ में आई? और इस टाइम पे जो करंट की रीडिंग है दैट इज 7.8 मिली एम्पियर। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? बताओ कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, अब मेरे को ये बता सकते हो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा था, ये बता सकते हो मेरे को? अरे यार, जब तुम्हें ये पता है 72 सेंटीमीटर पे कितना है, तो आप क्या कर दो इसको, 1.11 वोल्ट डिवाइडेड बाय 72, पोटेंशियल ड्रॉप करंट लेंथ आ गया, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। चेक करते हैं एक बार, पता नहीं इसने क्या सॉल्व किया, लेकिन मैं तो मेरे तरीके से बता दिया, बिलीव कर लू 9.25 आ रहा इसको सॉल्व करने पे। मान लेते 9.25 आ रहा है, ठीक है यार, आ ही नहीं सकता 9.25, 1.11 तो 72 पे, तो 60 पे तो 9.25 से कम ही आएगा, उत्तर से 0.925 ऐसे बोलो। यहां से बात समझ में आ गई? पक्का? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब क्या हुआ, तुम्हें इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पूछा गया इसने, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर, ये रेजिस्टर में से तो यही करंट जा रहा होगा, 7.8 मिली एम्पीयर ही जा रहा होगा, आया ना, सर्किट में जितना पहले करंट था उतना ही अब जा रहा होगा। Estimate the error in the measurement of ammeter. अब सुनो, एक मिनट, थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको क्या कहता है। Estimate the error in the measurement of the ammeter. हमारे पास वोल्टेज इसके अक्रॉस आ गई, वोल्टेज आ गई R आ गया,
वोल्टेज आ गई, आर आ गया तो आई आ जाएगा, वोल्टेज आ गई आर आ गया तो आई आ जाएगा, पर इस आई के कारण भी तो यार है, एमीटर का एरर कैसे निकलेगा? और एमीटर का करंट दे रखा है, इसका ईएमएफ दे रखा है क्या, एक बड़ी बैटरी का नहीं दे रखा, ऐसे तो निकालना मुश्किल लग रहा है। एक बार आप इसको देख लेते हैं क्या है, L0 72, L60, R120, E0 1.11, ठीक है, E equal to XL, V equal to XL, सॉल्व क्या करवाया इसने, गड़बड़ सुनो, आपको अगर मान लो ये वोल्टेज 0.925 वोल्ट आता है उस टाइम में, इसमें से जो करंट जा रहा है वही करंट इसमें जा रहा है, तो ये वाला करंट इनटू 120 सेंटीमीटर तो आ रहा होगा ना, ये इसका कहने का मतलब है कि पहले एमीटर लगा रखा था, फिर एमीटर हटा दिया, फिर इसको लगाया, अब इसकी रीडिंग ये आ रही है। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? क्योंकि अगर एमीटर लगा होगा तब तो आपके पास कोई तरीका ही नहीं इसको सॉल्व करने का, एरर कैसे निकालोगे? एरर तो तभी निकलेगा, निकल सकता है ना कि एमीटर पहले नहीं था, इसको कनेक्ट किया, आप देख लो ये रीडिंग क्या आ रही है, तो इसके थ्रू करंट आ गया, ये तो एक्चुअल हो गया। एमीटर लगाओगे तो ये वैल्यू आ रही है, तो करंट कुछ क्या होना चाहिए? मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं बात कर रहा हूँ? कुछ ऐसा है ये सिस्टम। अरे बात तो यार डाइजेस्ट करनी बहुत ही मुश्किल है ये जो क्वेश्चन है। रीजन बीइंग जब एमीटर लगाओगे तब तो रीडिंग कम होनी चाहिए क्योंकि इस रेजिस्टेंस के सीरीज में कुछ ना कुछ लगा है। और ये क्या कह रहा है, पहले 7.7 मिली एम्पियर आ रहा है और बाद में क्या कर रहा है, सिंस द मेजर रीडिंग 7.8 देयरफॉर द इंस्ट्रूमेंट हैज ए पॉजिटिव एरर। तो एरर है किसमें भाई, एमीटर में तो फिर एरर है नहीं, फिर तो पोटेंशियोमीटर में एरर है। मेरी बात समझ में आ गई, तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया? हाँ, तो सेकंड वाला, सेकंड ऑप्शन में है ही गड़बड़, बता ही नहीं सकते आप, इंफॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट है। कौन से इंस्ट्रूमेंट में एरर है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द एमीटर, तो एरर तो एमीटर में होनी चाहिए। अगर एमीटर में एरर होती तो एमीटर जब लगेगा इसके सीरीज में तो जो करंट होगा वो क्या होगा, जब एमीटर नहीं होगा उससे कम होगा, क्योंकि इसने तो सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया ना यार। आगे मेरी बात समझे, ऐसे फालतू पर लॉजिक समझ में आ गया ना तुम्हें? लॉजिक तो समझ में आ गया ना इस एग्जाम्पल से कि करना कैसे होता है। ये वाला करो 48, क्वेश्चन नंबर 48 करो, क्वेश्चन नंबर 48 करो, आंसर है 12 सेंटीमीटर। देखो ये बताओ पोटेंशियोमीटर समझ में आ गया तुम्हें? पोटेंशियोमीटर समझ में आ गया सबको? मीटर ब्रिज, ठीक है। अब सुनो, अब जो तुम बोल रहे थे ना कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी बता दो, वो बता देता हूं मैं तुम्हें, ठीक है? कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी देख लो, फटाफट बता देता हूं तुम्हें। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी क्या है, मान लो खूब सारी बैटरीज लगी हुई हैं, सीरीज में E1 R1, E2 R2, E3 R3,
ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस मान लो, तो इस सर्किट में आई करंट होगा, किरचॉफ लॉ लगाओगे क्या आ जाएगा, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री डिवाइडेड बाय आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस कैपिटल आर, ये आई करंट आएगा। आई किसके बराबर आता है, ई बाय आर इक्विवेलेंट आया ना, तो ई इक्विवेलेंट किसके बराबर है, इक्विवेलेंट किसके बराबर है, ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री आया ना। इन सारी बैटरीज की जगह आप एक ही बैटरी लगाओ जिसकी वोल्टेज कितनी हो, इक्विवेलेंट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो, इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा आया ना। तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आया ना, ये लॉजिक समझ में आ गया। और फिर आप सेम रेजिस्टेंस लगाओ, आपको क्या मिलेगा, सेम ही करंट मिलेगा। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन की जगह आप बैक क्या बैटरी लगा रहे हो, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, ये सीरीज का इक्विवेलेंट बन गया। ये बताओ टफ है क्या, ये टफ क्या, ये कोई एकदम सिंपल है, ठीक है। एक चीज और देखो, ठीक है, यहां तक आ गया समझ, यहां तक आ गया समझ सबको। अब देखो ये पैरेलल में, ये किस में है, ये सारे के सारे पैरेलल में बैटरी, इसमें से मान लो आई वन करंट है, इसमें से आई टू, इसमें से आई थ्री, और इसमें जा रहा है आई, तो एक लूप लो, ये वाला लूप लो, क्या इक्वेशन बनेगी, ई वन माइनस आई वन आर वन माइनस आई इंटू आर इक्वल टू जीरो, ये वाला लूप ये यहां से यो चल गई, यो चल गई, यो चल गई, मैं किरचॉफ लूप आया ना, क्या बात समझ में आ गई। तो आई वन किसके बराबर आ जाएगा, देखो आई इंटू आर वन किसके बराबर आ जाएगा, ई माइनस आई वन इंटू आर, तो आई वन किसके बराबर आ जाएगा, ई माइनस आई वन इंटू आर अपॉन आर वन, ये समझ में आ गई बात, ये बात समझ में आ गई। ऐसे इसी से आइडिया लगा के बताओ आई टू क्या आ जाएगा, दूसरा लूप हो गया, आई टू क्या आएगा, सॉरी ये ई वन आएगा, पहली बैटरी है ना, ये क्या आ जाएगा, ई टू माइनस कुछ गड़बड़ कर दिया, आई वन ही आएगा, ई टू माइनस आई आर अपॉन आर टू आया ना। ऐसे आई थ्री किसके बराबर हो जाएगा, ई थ्री माइनस आई आर अपॉन आर थ्री आया ना, यहां तक समझ में आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, ये थर्ड मान लो, आया ना, बन जाएगी इक्वेशन। नहीं 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 लगाया है, यहां पे आया है, ये चीज इधर चली जाएगी, ई वन माइनस आई आर और आर वन नीचे चला गया, तो आई वन इसके बराबर आएगा ना यार, अब ठीक है जयकरण, जयकरण ठीक है,
अगर इन सारी इक्वेशन का सम करो तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। अभी तो सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा ना यार, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री किसके बराबर आएगा, आई के बराबर आएगा। तो आई इक्वल टू इन सब का सम करूंगा तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, ई वन बाय आर वन, ई टू बाय आर टू, ई थ्री बाय आर थ्री प्लस, या फिर मैं लगाऊ माइनस आई वन बाय आर वन, वन बाय आर टू, वन बाय आर थ्री, आई इंटू आर कैपिटल, हाँ है ना, ऐसा आ जाएगा। ये देखो यहां तक आ जाएगा भाई, इसके नीचे भी आर टू, इसके नीचे भी आर टू, ये देखो ध्यान से समझ में आ गया यहां तक। इस चीज को इधर ले आओ, इस चीज को इधर ले आओ, तो आई कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वन प्लस आर वन अपॉन आर आई, जनरल फॉर्मूला, हाँ है ना। इसका ऐसे लिख सकता हूँ ना, अगर एक आई बैटरीज होगी तो इसको जनरली आर आई लिख सकता हूँ ना, वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू प्लस वन बाई आर, और ये किसके बराबर होगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम किसी को, ऐसे सोचो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आर प्लस इस पूरे का आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, सिर्फ ऊपर वाला होगा, ऐसे बोलता हूँ वन अपॉन आर इक्विवेलेंट किसके बराबर है, वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू, ऐसे वन बाय आर थ्री, हाँ या ना, तो वन बाय आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ वन अपॉन आर आई, तो आर इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट, ये टोटल आर इक्विवेलेंट आ जाएगा पूरे सर्किट का, किसके बराबर आ जाएगा, आर प्लस वन अपॉन आर इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में, जागरण यही भाषा है, ऐसी चीज इधर बना देते हैं, इसमें से ये चीज कॉमन बाहर निकाल लो, देखो क्या आएगा, आया ना, इस चीज को नीचे लेकर चले जाओ, देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये आएगा सॉल्व होके, याद है, समझ में आया, याद है, समझ में आया, ये चीज क्या है, आर इक्विवेलेंट है, ये आई है, तो तुम्हें पता है ये तो गया ना, डेल्टा वी इक्वल टू आई इंटू आर, तो दिस इज ई एम एफ ऑफ ए बैटरी,
दिस इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ इफेक्ट E1 by R1 plus E2 by R2 plus E by R3 divided by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. क्या बात समझ में आ गई? जरूरत कभी नहीं पड़ती इसकी, इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती, बस तुम्हें पता चल गया कि करते कैसे। HCV के सारे क्वेश्चन कर लो और शीट के क्वेश्चन करना शुरू करो। बात समझ में आई नहीं? शीट के सारे क्वेश्चन कर लो, खत्म हो चुका है चैप्टर। इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जनरली से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, सॉल्व करना होगा तब तो सॉल्व हो ही जाएगा। जैसे ही वैल्यूज दी होंगी तो बहुत आसान हो जाएगा। ये बताओ ये चैप्टर तुम्हें समझ में आया? ये चैप्टर समझ में आ गया तुम्हें? अगली क्लास के अंदर मैं तुम्हारे लिए एचसीवी डिस्कस करूंगा, एचसी वर्मा के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आई बात समझे? और उससे अगली क्लास के अंदर मैं शुरू कर दूंगा, आज के नोट भेज दूंगा, उससे अगली क्लास के अंदर मैं कैपेसिटर शुरू कर दूंगा। आई बात समझे? अगली क्लास में अच्छी भी डिस्कस होगी। ओके बच्चों, बाय। बिल्कुल।